जान जाइए, मेरा नाम है विकास सिंह। पहले आपको एक कागज़ को इस शेप में काटना होगा, जिससे राखी का मेन वो बन सके। फिर ग्लूस, फिर नारियल के इस टाइप से, देखिए इस टाइप से शेप लेना है, उसको ऐसे काटना है। मैंने पहले से काट रखा है तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस शेप में काट लेना है। काटने के बाद इसको ग्लू से कुछ इस प्रकार चिपकाना है। और मैं आपको बता दूं कि पूरा वेस्ट चीज़ से बनाया जा रहा है राखी। ये हो गया, देखिए फ्रेंड ये हो गया। अब जो वेस्ट चीज़ है, वेस्ट जो बचा है उसको काट के अलग कर दीजिए। ये हो गया कंप्लीट, ये देख सकते हैं आप लोग अलग से पा रहा है। फिर इसको इस टाइप से शेप में फिर एक बार काटना है आपको, वो नीचे सपोर्ट के लिए। फिर राखी में इसमें धागा फंसाना है, तो धागा आप किसी भी एंगल से कर सकते हैं अपने अनुसार। ये रहा धागा, देखिए अब इसको इस टाइप से लगा के। ये भी फ्रेंड्स, ये धागा मैंने एक पॉलीथीन से लिया है, वो भी वेस्ट हो चुका था। तो ये देखिए चिपकने में थोड़ा टाइम लगेगा, बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखेगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चिपका दिया है, अब थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए चिपकने के बाद कुछ यूं लगेगा, देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए अब थोड़ा इसका डेकोरेशन कर लेते हैं। इसको डेकोरेट करने के लिए ग्लिटर पेपर के भी यूज कर सकते हो, जो कि मार्केट में मिल जाएगा। चाहे तो आप अपने से खुद से बना के डेकोरेट कर सकते हो, या पुरानी राखियों से भी उसका स्टोन वगैरह निकाल के लगा सकते हो। तो देखिए मैं पुरानी राखी से ही स्टोन लगा रहा, तो वो भी एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल है। अब देखिए फ्रेंड्स ये लगने के बाद और भी सुंदर दिखेगा, देखिएगा आप। ये चिपकने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चिपकने के बाद देखिएगा फ्रेंड्स बहुत अच्छा दिखेगा। देखिए चिपकने के बाद ये कुछ ही प्रकार लगेगा, और देखिए हाथों में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए तो आप भी बना सकते हैं ये नारियल से एक सुंदर, बहुत ही सुंदर राखी। देखिए फ्रेंड दिखने भी में भी नहीं लग रहा कि ये हाथ से बनाया गया है, वो भी वेस्ट मटेरियल से। तो फ्रेंड आप भी ट्राई कीजिए, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और भी इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। प्लीज़ धन्यवाद।